हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में नाइट टाइम पार्टी मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पर्पल कलर की आई मेकअप लुक क्रिएट किया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए रोज़ वाटर अप्लाई किया है, और आप इसको एज अ टोनर अप्लाई कर सकते हो रोज़ वाटर को। तो यहाँ पे मैंने एल्फ गुडनेस का रोज़ वाटर लिया है, जो कि अंडर 100 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने अपना DIY फेस सीरम अप्लाई कर लिया है, क्योंकि मेकअप से पहले स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है अच्छे से। तो फेस को मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जॉय की मॉइस्चराइज़र क्रीम ली थी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई कर ले रही हूँ। प्राइमर यहाँ पे मैंने NYBA कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं पहले फेस मेकअप कर रही हूँ, आप चाहें तो अपना आई मेकअप पहले कर सकते हैं। तो मेकअप का कोई रूल नहीं है कि आपको पहले क्या करना है, जो आपको समझ में आए वो आपको लगा लेना है, तो अगर आप बिगनर हो तो। तो यहाँ पे फाउंडेशन मैंने ब्लू हेवन के लिया था, उसको मैंने अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पे कंसीलर मैं अपने जहाँ पे मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, जैसे अंडर आई पे, फॉरहेड पे, नोज़ के अराउंड, तो वहाँ पे मैं फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई कर लिया मैंने। और अब यहाँ पे मैं बेबी पाउडर से अपने फेस को सेट कर ले रही हूँ। देन उसके बाद अब मैं कॉन्टोर के लिए आई शेडो पैलेट से ही ब्राउन सेट पिक किया है, और उसको एज आ कॉन्टोरिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही थी, पर वहाँ ब्रश से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके ब्लेंड किया। देखिए, बहुत ही ईजी ब्लेंड हो जाता है, और मुझे पर्सनली मैं बताऊँ, ब्रश से ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने में मेकअप ज़्यादा ईजी पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर नोज़ पर भी मैं कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ इस तरह से, जिससे मेरी नोज़ स्लिम लगेगी। और यहाँ पर अब मैं ब्लश अप्लाई कर ले रही हूँ, पीचिस पिंक सा कलर है, तो आप देख रहे हो। देन उसके बाद आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर पिक किया है स्विस ब्यूटी आईब्रो पैलेट से, और इसको फिल कर लूँगी। इसका भी रिव्यू मैंने डिटेल में दिया अपने चैनल पे इस आईब्रो पैलेट का, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं मस्कारा से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन शेड लिया है, तो अपने पूरे क्रीज लाइन पे मैं ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी, जहाँ पे हमारा बोन होता है ब्रो बोन, वहाँ से आपको लेना है, आपको इनर कॉर्नर तक लेके जाना है। यहाँ पे लाइट ब्राउन मैंने लिया था। देन उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले रही हूँ, तो अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करना है, अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करना है, और सर्कुलर मोशन में ब्रश को घुमाते हुए आपको ब्लेंड करना है इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और लॉन्ग स्टे करता है। अगर इस तरह से मेकअप आप करोगे ना, कितनी भी गर्मी है, पसीना है, मेकअप आपका नहीं निकलेगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल शेड पिक किया है, डार्क पर्पल कलर, और उसको मैं अपने क्रीज लाइन पे इस तरह से एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे अपने क्रीज लाइन पे आउटर बी पे पहले प्लेस करना है, उसके बाद आपको क्रीज लाइन तक ले जाना है। देन उसके बाद अब यहाँ पर मैं कट क्रीज बना रही हूँ कंसीलर की हेल्प से। तो एक मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिट की थर्ड पार्ट तक किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइट सिमरी पर्पल शेड है, उसको मैंने पिक किया है, और अपनी फिंगर की हेल्प से मैं उस पर प्लेस कर रही हूँ, पैक कर रही हूँ कलर को इस तरह से। तो मैंने पैक कर लिया है। देन मैंने वही सेम पेंसिल ब्रश लिया है, उसके बाद इस तरह से आउटर बी पे और क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लूँगी दोनों कलर को अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने ग्लिटर लिया है, और इसको मैं अपने सेंटर लिड पे प्लेस करूँगी, और पर्पल शेड है, डार्क पर्पल शेड, जैसे कि आप देख सकते हो, और थोड़ा सा इनर कॉर्नर तक भी ले जाएंगे, आँखों को अपनी हाईलाइट करेंगे। पूरी आईलिड पे नहीं लगाना है, मैंने आउटर भी को छोड़ दिया है और सेंटर से लेकर इनर कॉर्नर तक अप्लाई कर दिया। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड को पिक किया है, उसको अपने वाटर लाइन के नीचे मैं प्लेस कर रही हूँ, अप्लाई कर ली हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे पर्पल को भी मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने विंग लाइनर ड्रॉ किया है। कैमरा मेरा थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था, और इससे पहले भी मैंने कई सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में विंग लाइनर ड्रॉ करना बताया है,
तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एनवाईवी की ये वाइट पेंसिल है, इसको मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं वाटर लाइन पे ब्लैक काजल मैंने नहीं अप्लाई किया है, जैसे नाइट का मेकअप है तो थोड़ा सा अपनी आँखों को मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने मस्कारा भी ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया है, क्योंकि मैं भूल गई थी, मैंने कर्लिंग किया आप लोग के साथ में, उसके बाद मैं भूल गई थी ऑन करना कैमरा, तो मस्कारा भी मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिपस्टिक जो कि चॉकलेट ब्राउन सेट की है और ये ब्लू हेवन की इंस्टेंट मैट लिपस्टिक अप्लाई कर ली। उसके बाद मैं हाईलाइटिंग कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे नोज़ पे, चीक्स पे, लिप के अराउंड, चिन पे और फॉरहेड पे, ब्रोबोन पे। और उसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप मैंने सेट कर लिया है और ये रहा मेरा फाइनल लुक। गाइस कैसा लगा आपको? यहाँ पे मैंने इस तरह से ऑक्सीडाइज ईयरिंग के साथ में अपना लुक कंप्लीट किया है और इस तरह के हेयर स्टाइल के साथ में। और ये नाइट पार्टी मेकअप के लिए बेस्ट है, अगर आपका बर्थडे है तो बर्थडे में भी आपका ये मेकअप बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप के लिए भी आप ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है कैसे करना है, किस फंक्शन में करना है, संगीत है, मेहंदी है तो उसमें भी आप इस वाले मेकअप को कर सकते हैं, शादी है किसी की, आप एज अ वेडिंग गेस्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप साड़ी के साथ में या गाउन के साथ में, किसी भी पार्टी वेयर ड्रेस के साथ में आप ये वाला मेकअप जो है कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ ज्वेलरी नहीं डाली है, सिर्फ इयरिंग्स डाला है, तो आप अपने पसंद की ज्वेलरी के साथ भी अपने इस मेकअप लुक को एक्सेसराइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।